कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेकुलर शब्द का जिक्र किया गया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या शिवसेना सेकुलर हो गई है? सेकुलर का मतलब क्या है वो मैं आपसे जानना चाहता। नहीं मैं क्यों जानू, आप पूछो ना मुझे, सेकुलर पहले बताओ सेकुलर का मतलब क्या है। अरे भाई वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, सुनिए चाहते हैं सर। अरे सुनिए प्रियमन जो कहा है उसमें सेक्युलर है ना, संविधान में जो देखिए ना, पढ़िए ना प्रियमन में लिखा है क्या है, लिखा है उनको बोलने दीजिएगा। संविधान में जो कुछ है वो है, जिम्मेदारी लेने के बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग थी और मुझे खुशी है कि पहला निर्णय जो हमें लेने का भाग्य मिला है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राजधानी थी रायगढ़, किले रायगढ़, उसके लिए जो एक काम चल रहा है लगभग 600 करोड़ का काम है, 20 करोड़ रुपए आज तक उसके ऊपर खर्चा हो गया है और आगे 20 करोड़ के लिए जो सामने प्रस्ताव आया हमने तुरंत उसको मंजूरी दे दी है, तो शुरुआत अच्छी हुई है। और उसके बाद अब सारे लोगों को पता है कि महाराष्ट्र के जो काश्तकार है, किसान है, बहुत ही मुश्किल में है। मैं छुटपुट बातें उनके लिए नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने निर्देश दिए हैं कि आज तक जितनी सारी योजना वो राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने उनके लिए किए घोषित की है, कितनी पूंजी उसके लिए एक्चुअल यूज की गई है और कितनी होना बाकी है, पूरा चित्र स्पष्ट होने के बाद जो एक मेरे मन में बात है वो मैं जरूर करूंगा। हमारे साथी हैं वो भी साथ में है और किसान खुश हो जाएगा ऐसे हम तो जरूर करेंगे, लेकिन इसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि आज तक क्या क्या हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।